हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चर्चा करेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने परीक्षा पे चर्चा की। और ये चर्चा में उन्होंने बच्चों से वर्चुअली इंटरेक्शन किया, और इस इंटरेक्शन में बच्चों ने खूब सारे जो भी उनके मन में सवाल थे, जो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आए हुए थे, उन्होंने मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से सवाल किए और उन्होंने इतने अच्छे से बच्चों को सेटिस्फाइंग जवाब दिए, जिससे कि पेरेंट्स और बच्चों की सबकी लर्निंग बहुत बहुत अच्छे से हुई। ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा था, जिसमें बच्चों ने बहुत सारे सवाल किए, जो भी उनके मन में सवाल थे वो उन्होंने किए, और मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनका जवाब बहुत ही काम, कूल, रिलैक्स होकर बहुत अच्छे से पीसफुली हर आंसर का जवाब दिया। इस वर्चुअल सेशन में जब नरेंद्र मोदी जी से एक बच्चे ने सवाल किया, जब बच्चे ने पूछा कि सर आपकी क्या राय है, आप क्या बोलेंगे कि हमारा ये पूरा साल जो है वो बिल्कुल खाली चला गया, बिल्कुल मतलब वेस्ट की तरह ही चला गया, तो आप इस पे क्या कहेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पीसफुली इसका आंसर बहुत अच्छे से जवाब दिया कि इस साल को, इस कोरोना टाइम को हमें एक चुनौती की तरह लेना चाहिए, और इस साल से हमें ये सीख लेनी चाहिए अपनी लाइफ की कि लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है और हमें उसे टैकल करना चाहिए। लाइफ हमारी कभी भी इतनी स्मूथ नहीं रहती, कभी भी कोई भी चुनौती आ सकती है। और पूरे सेशन में मोदी जी बिल्कुल पॉजिटिव रहे, एक भी टॉपिक में उन्होंने कोई भी नेगेटिव बात बिल्कुल भी नहीं कही। नरेंद्र मोदी जी ने ये भी बताया कि जिन लोगों को हम थोड़ा सा अपने से कम समझते थे, अपने हेल्पर्स को इतनी वैल्यू नहीं देते थे, उसको भी इस कोरोना काल में हमने वैल्यू देना शुरू किया, बिकॉज अब हमें इस चीज़ से भी सीख लेनी चाहिए कि हमें किसी भी पर्सन को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ऑल आर इक्वल, ऑल शुड बी इक्वल फॉर अस। और उन्होंने यह भी बताया कि हम फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाते थे, बट इस कोरोना काल में हमने बहुत अपनी इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट की, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताया और हमने उनको समझा। जब एक बच्चे ने उनसे पूछा कि कैसे हम जनरेशन गैप, पेरेंट और बच्चे के बीच का कम कैसे कर सकते हैं, सो इसका आंसर मोदी जी ने बिल्कुल बेस्टेस्ट वे में दिया, और उन्हें भी ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा, इस पर वो ज़रूर बात करना ही चाहते थे। उन्होंने इस पे कहा कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स उनसे तरह तरह की आवाज़ निकाल के भी उनको खुश करना चाहते होते हैं, उनको एंटरटेन करना चाहते होते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, बट जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों से पेरेंट दूरी बना लेते हैं, और यही जनरेशन गैप को बढ़ावा देता है। तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको हटाने के लिए आपको अपने बच्चों से एक फ्रेंडली बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए। उनकी बातों को सुने आप, उनकी बातों को बीच में टोके ना, उन्हें सुने और उनकी बातों का बहुत खुशी से उनका जवाब दें। इस बात पे मोदी जी ने फोकस किया कि इससे जनरेशन गैप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा पेरेंट और बच्चे के बीच। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें बच्चे के लिए जहाँ बच्चा खुद अपनी बातें बताने आए। टीन एज में ज़्यादातर बच्चे पेरेंट्स के डर की वजह से अपनी बातें छुपाते हैं, तो इस समय अगर आप अपने बच्चों से फ्रेंडली बिहेव करेंगे टीन एज में, तो आपका बच्चा कभी भी किसी और के पास हल ढूंढने नहीं जाएगा, वो आपके पास ही हल ढूंढने आएगा। अगर वो आपसे डरेगा नहीं तो आपको सब कुछ बताने को वो राजी रहेगा, बट शर्त यही है कि आप उन्हें एक अच्छा आंसर दें। गुस्से में जवाब देने की बजाय उनकी बात को पहले सुने फिर जवाब। जब एक बच्चे ने पूछा कि हमें एग्जाम नहीं है, एग्जाम का रिजल्ट ज़्यादा डराता है, तो मोदी जी ने इसका आंसर भी बहुत परफेक्टली दिया। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक स्टेज है, बच्चे ज़्यादातर रिजल्ट से डरते हैं ना कि एग्ज़ाम से, क्योंकि उन्हें जो है डेस्टिनेशन फीवर रहता है, सोसाइटी के प्रेशर में, पीयर प्रेशर की वजह से वो रिजल्ट की फॉर्म में डरते रहते हैं। तो उन बच्चों के लिए उन्होंने यही कहा कि ये तो स्टेज है, इसे अपनी पूरी लाइफ मत मानिए, आगे भी बहुत कुछ है, अपने दिल से मन लगा के पढ़िए, पूरे बहुत अपना बेस्ट रस दीजिए। अंत में मोदी जी ने फोकस किया कि हमारी कंट्री को आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, और बच्चों को भी एक कार्य दिया कि उनके एग्जाम खत्म होने के बाद वो
ये कार्य कर सकते हैं कि जिसमें वो सारे आइटम्स अपने घर के देखें कि कितने आइटम्स हमारे विदेशी हैं और कितने आइटम हम देसी लेते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने भारत की चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, भारत को ही आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए। तो देखा आपने दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देश विदेश की ही परवाह नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो देश का भविष्य है उनकी भी वो कितनी परवाह करते हैं। सो आपको ये परीक्षा पे चर्चा जरूर देखनी चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल फॉर यू ऑल। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर लर्निंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। You can also follow me on my Instagram and Facebook page, that is Feeling Blessed with Monica. Thank you.